आज मैंने बनाया है एक नया रेसिपी। आप इसको आटा नूडल्स बोल सकते हैं या फिर आटा पास्ता बोल सकते हैं, बिल्कुल वेज, नो एग्स यूज्ड हियर। और ये बहुत इजी है। देखिए, मैंने पहले तो प्याज को अच्छी तरह से भून लिया, और प्याज जब भून के तैयार हो गया तब मैंने रोटी बनाना उसके ऊपर थोड़ा सा पनीर डाल के रोटी बनाना शुरू कर दिया। मैंने पहले 2-3 रोटियां बनाई, उसको थोड़ा सा पतला वाला, यहाँ पे अंडा यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल भेजे, तो फिर मैं उसको बहुत पतला वाला रोटी बनाई। ये देखिए मैं किस तरह से उसको बहुत पतला बना रही हूँ। ये जब बहुत ही पतला हो गया तो फिर मैंने उसको चाकू के हेल्प से बहुत थिन पीसेस में कट कर लिया। ये देखिए, पहले तो थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन इसको ऐसे थोड़े थोड़े करके थिन लेयर में कट कर लेना है। और मैंने पहले इसको बहुत सारे पीसेस में कट कर लिया, और फिर सारे के सारे उबलते हुए पानी में डाल दिया। घबराइए मत, ये एक दूसरे से चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। और दूसरी रोटी बनाते वक्त जो 1 मिनट आपको लगेगा, उस वक्त ये तैरने लगेगा। ये जो नूडल्स है जिनको हमने गर्म पानी में उबाला था, वो ऊपर उठने लगे, तो समझ जाना वो कुक हो गया। ये पानी एकदम से गर्म है, बहुत ही गर्म है। इस समय मैं दूसरा वाला रोटी को ऐसे पीस पीस करके काट के रेडी कर ली। देखिए कितना जल्दी वो ऊपर आ रहा है। जब ऊपर आने लगे सारे के सारे नूडल्स, आटा नूडल्स, उसको आपको छन्नी से छान लेना है। 1 मिनट के अंदर ये सारे के सारे नूडल्स ऊपर आ गए, और उसके बाद मैंने सबको छन्नी में छान लिया। देखिए मैंने किस तरह से एक एक करके सबको बाहर निकाला, सबको अच्छे से बाहर छन्नी के मदद से बाहर निकाला, ताकि जो ज़्यादा पानी हो वो नीचे चला जाए, नूडल्स अलग हो जाए। और मैंने पहले से जो प्याज भून के रखा था उसके ऊपर मैंने हरी मिर्च और पनीर डाल के और थोड़ा सा भून लिया। और जब ये थोड़ा सा भुनना कंप्लीट हो जाए, तो फिर उसके बाद मैंने आटे वाला जो नूडल्स हमने पानी से निकाल के रखा था उसको उसके ऊपर डाल दिया, और चेक किया हुआ कि नहीं हुआ। ये तो सब हो गया है, एकदम से तो सॉफ्ट तो हो गया है। तो फिर हमको अभी इसको फिर से आटे नूडल्स को भी इन प्याज और हरी मिर्च और पनीर के साथ भूनना है। और हमने इसको फिर से भूनना, जब 1-2 मिनट तक हम इसको भून के हाथ चलाना चलाते बहुत सारा भून के इसको रखना है। और उसके बाद हम इस पे नमक डालें, स्वाद अनुसार नमक, और फिर से भूनना चालू कर दिया। कढ़ाई थोड़ी सी कम गर्म थी, इसीलिए नूडल्स नीचे चिपकने लगा। आप अगर करोगे तो पहले देखना कढ़ाई एकदम से गर्म हो, तो नूडल्स चिपकेगा नहीं इतना। और उसके बाद मैंने एक केचप ली, किसान केचप, थोड़ा सा केचप इसके ऊपर डाल दी, और जितना आपको अच्छा लगे उतना ही केचप डालना, ज़्यादा मत डालना वरना खट्टा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा ओरिगैनो का जो होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको भी मैंने ऐड कर लिया उसके ऊपर थोड़ा सा, बस फ्लेवर के लिए। और जो खुशबू आती है ना, वो टेस्ट दुगना कर देती है। इसके बाद पेरी पेरी वाला पाउडर भी मैंने डाल दिया।
ऑलरेडी हरी मिर्च है, लेकिन ये वाला डालने से खुशबू भी टेस्ट भी एनहांस हो जाता है। फिर सबको एक साथ मिला देना है। ये मेरा पैन जो नॉन स्टिकी नहीं है उसके अंदर से मैंने सबको एकदम से मिला के बना दिया। और आपको ये सब एक मिनट तक ऐसे ही भून के करना है। वैसे तो ये ऑलरेडी कुक हो चुका है, आपको बस मिलाना है और थोड़ा सा भूनना है। आप धीरे धीरे करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। और जब ऐसे देखना जैसे कि नमक और ये सारे जो मसाले हैं पूरी की पूरी तरह से इस नूडल्स में मिक्स हो जाए, और ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये ऑलरेडी कुक्ड है, बस इसको हम लोग मिक्स करने वाले हैं। तो देखिए सब कुछ तैयार होके रेडी हो गया है। ये जो नूडल्स है एकदम से तैयार हो गया है। फिर हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और सबको चखने के लिए देते हैं। इस टाइप के नूडल्स बना के आप बच्चों को स्कूल पे भी भेज सकते हो।